Hi guys, welcome back to the channel everyone. Today in this video about the Pro Kabaddi Season 9. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल प्रो कबड्डी सेरेमनी के बारे में. शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखते रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. आप सभी से हमने एक रिक्वेस्ट की थी पिछले एक दो वीडियोज में कि हम बहुत ज़्यादा करीब है 1000 सब्सक्राइबर्स का कंप्लीट करने में, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए. हम जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया और ये प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं. आगे बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट इस चैनल पर स्पोर्ट से रिलेटेड, कबड्डी से रिलेटेड आने वाला है. तो लाइक यहां पे आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर. सबसे पहले अगर हम देखा जाए फाइनल मुकाबले में अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है, डिफरेंट अवार्ड्स यहां पे प्लेयर्स को मिलते हैं. आज के इस वीडियो में हम टोटल बात करेंगे इन्हीं के ऊपर. सबसे पहले अगर हम देखा जाए यहां पे पहला अवार्ड किसको मिला यहां पे फाइनल मैच में, सुनील मलिक जयपुर पिंक पैंथर के कैप्टन है. 50,000 कैश प्राइज के साथ उनको अवार्ड मिला था फाइनल मुकाबले में. हालांकि वो जयपुर पिंक पैंथर के कैप्टन भी थे और ऊपर से सुनील मलिक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. ओवरऑल सीजन में सक्सेसफुल कैप्टन माने गए थे प्रो कबड्डी सीजन 9 में. तो दूसरे अवार्ड की ओर चलते हैं. यहाँ पे ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच, ये भी फाइनल मुकाबले में अवार्ड दिया जाता है प्रो कबड्डी में. तो ये मिला था जयपुर पिंक पैंथर के वी अजीत कुमार को 50,000 कैश प्राइज के साथ. उनको एक चेक मिली थी 50,000 रुपीज की. तो यहाँ पे वी अजीत कुमार ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच आए थे. तो इसके बाद तीसरे अवार्ड की ओर चलते हैं. मूवमेंट ऑफ द मैच, टफ मूवमेंट ऑफ द मैच, ये भी मिला था वी अजीत कुमार को जयपुर पिंक पैंथर के साथ. ये एक टॉप मूव मतलब दिखाया जाता है प्रो कबड्डी के मैच में, जो भी प्लेयर दिखता है तो उनको एक अवार्ड मिलता है. इसमें भी इनको 50,000 रुपीज कैश प्राइज के साथ एक चेक मिला था. और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे टॉप नेक्स्ट अवार्ड के ऊपर. टॉप मूवमेंट ऑफ द मैच, अंकुश राठी जयपुर पिंक पैंथर 50,000 कैश प्राइज के साथ उनको चेक मिला था फाइनल मुकाबले में, जो जयपुर पिंक पैंथर और पुनेरी पल्टन के बीच में हुआ था. इसके बाद फिर आते हैं मतलब सेंटर जो यहाँ पे आता है, बीच में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो मैच ऑफिशियल्स को, स्कोर टाइम कीपर वगैरह सब कुछ, जितने भी स्टाफ होते हैं जो मैच को मतलब ऑर्गेनाइज करवाते हैं प्रो कबड्डी की तरफ से, उनको एक एप्रिसिएशन मेडल मिला जाता है प्रो कबड्डी मशाल सपोर्टर्स की तरफ से. इसके बाद अगर हम आते हैं लाइक यहाँ पर बेस्ट रेडर ऑफ द प्रो कबड्डी लीग सीजन 9, ये भारत हुड्डा को गया था. 15 लाख रुपए का उनको कैश प्राइज का चेक मिला था. तो भारत हुड्डा बेस्ट रेडर ऑफ द टूर्नामेंट आए थे. इसके बाद बेस्ट डिफेंडर यहाँ पर अंकुश राठी, क्या प्रदर्शन था अंकुश राठी का. डेब्यू सीजन किया था अंकुश ने और बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था अंकुश ने. लाइक 15,000 रुपीज इनको भी एक चेक मिला था एप्रिसिएशन चेक. और इसके बाद मशाल स्पोर्ट्स न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन 9, वो मिला था नरेंद्र कंडोला को. 8 लाख रुपए का चेक उनको मिला था. नरेंद्र कंडोला ने यहाँ पे तमिल तलावास टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. हालांकि उनके मेन रेडर पवन कुमार शेरावत इंजर्ड हो गए, लेकिन नरेंद्र कंडोला ने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया. इसके बाद फिर मतलब वहाँ पे पवन की कमी नहीं दिखी, तो इनका भी बहुत बढ़िया डेब्यू सीजन गया इस बार. इसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अर्जुन देसवाल जयपुर पिंक पैंथर के 20 लाख रुपए का चेक उनको मिला. हालांकि अर्जुन ने बहुत बढ़िया रेडिंग भी थी कि पीकेएल सीजन 9 में जयपुर पिंक पैंथर को चैंपियन बनाने इन्होंने बहुत योगदान दिया है. इसके बाद फिर रनर अप टीम पुनेरी पल्टन को 1,80,00,000 रुपए का चेक मिला. इसके बाद फिर उनको मिले थे सिल्वर मोमेंटो एप्रिसिएशन के लिए. इसके बाद चैंपियन टीम जयपुर पिंक पैंथर को 3,00,00,000, जयपुर पिंक पैंथर टीम को मिले थे 3,00,00,000 रुपीज. और ये सुनील मलिक की तरफ से गए थे, मतलब सुनील मलिक जयपुर पिंक पैंथर की तरफ से कैप्टन थे, तो उनको 3,00,00,000 रुपीज का चेक दिया गया था पूरी टीम के लिए. और गोल्ड मोमेंटो भी उनको दिया था. मेरी तरफ से आज की वीडियो थी. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगले किसी इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस.